92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहां था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहां आसमां बड़ा हुआ, मुंदी सी आंखों ने जहां देखे ना जाने कितने सूरज चांद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली गुड मॉर्निंग। दिल्ली मेरी जान में आपके साथ मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। कल यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हर साल इस दिन मुझे एक ख्याल जरूर आता है कि उन्हें देवी मानकर मंदिर में पूजना हमारे लिए इतना आसान होता है तो इंसान मानकर उन्हें प्यार और सम्मान देना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। क्या कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी महिलाएं हैं किसी भी रूप में, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, कॉलीग हो, बॉस हो, दोस्त हो, अगर ये महिलाएं ना हो तो हमारी जिंदगी कैसी होगी। दिल्ली मेरी जान में मैं एक कोशिश कर रही हूँ, हर शनिवार आपको मिलवाऊंगी कुछ ऐसी महिलाओं से जो हीरो हैं, सिर्फ किसी एक की जिंदगी की नहीं बल्कि पूरे समाज की। ये वो महिलाएं हैं जो अपने आसपास अपने समाज में बदलाव लाने के लिए हिम्मत से डटी हुई हैं, जुटी हुई हैं। और दिल्ली मेरी जान में इन महिलाओं से बात करके हम न सिर्फ उनसे प्रेरणा लेंगे बल्कि उन्हें सलाम भी करेंगे। और इसी कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे डोरिस फ्रांसिस से। कल्पना कीजिए उस माँ की जिसने एक रोड एक्सीडेंट में अपनी आंखों के सामने अपनी 20 साल की बेटी की जान जाते देखी, लेकिन उस माँ ने फैसला किया कि वो पूरी जिंदगी रो रो कर नहीं काटेगी बल्कि अपनी बची हुई जिंदगी दूसरों की जिंदगी बचाने के काम में लाएगी। पिछले 6 साल से डोरिस फ्रांसिस हर दिन दिल्ली और गाजियाबाद के बीच उसी स्पॉट पर खड़े होकर ट्रैफिक को नियंत्रित करने का काम करती हैं जिस जगह पर उन्होंने अपनी बेटी को खोया था। मेरा नाम डोरिस फ्रांसिस है। आज दिल्ली मेरी जान में मैं सुनाऊंगी अपनी बीते हुए पलों की कहानी जो आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। डोरिस फ्रांसिस जैसी महिलाएं देश की हर महिला के लिए हिम्मत की एक मिसाल है। इसलिए आज आप बने रहिएगा मेरे साथ 92.7 बिग एफएम पर और सुनिएगा आज की हमारी हीरो डोरिस फ्रांसिस की पूरी कहानी बस कुछ ही देर में। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और ये है हमारी एक स्पेशल सीरीज जिसमें मैं बात करूंगी कुछ ऐसी महिलाओं से जो अपने काम से बनी है हमारे समाज की हीरो। और आज मेरे साथ जुड़ी हैं डोरिस फ्रांसिस, जिन्हें आप हर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक देख सकते हैं दिल्ली गाजियाबाद पर खोड़ा कट पर ट्रैफिक को संचालित करते हुए। ना ये उनकी नौकरी है ना ये उनका काम, फिर वो ये क्यों कर रही हैं? डोरिस, क्या वजह है कि आप वहाँ पर खड़े होकर हर दिन ट्रैफिक कंट्रोल करती हैं? जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि ईश्वर कभी भी ऐसा दिन किसी के ऊपर ना लाए जो मेरे साथ हुआ है। पहले भी खैर मैंने एक्सीडेंट तो बहुत से देखे थे वहाँ पर शायद मेरी आत्मा ने उस वक्त मुझे झंझोरा नहीं था, मगर जिस वक्त ये हादसा मेरे ही साथ गुजर गया 2008 के अंदर 9 नवम्बर को, वो दिन भूल नहीं सकती। मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल से लेके गाजियाबाद अपने घर आ रही थी खोड़ा कॉलोनी, तो एक वैगनार ने जो मुझे टक्कर मारी जिस वक्त, तो कभी मैंने पिक्चरों में देखे थे वो स्टंट जो मेरे साथ हुआ वो हादसे के अंदर, कि हमारा भी ऑटो उसी स्टंट की तरह गया जैसे किसी ने स्टंट दिखाया हो सेम। हम लोग तीनों लोग ऑटो में से निकल के ऐसे गिरे कि एकदम अलग अलग बिखर गए। काफी चोट मेरे हस्बैंड को भी आई थी और कई टांके भी आए उनके सर के अंदर। निक्की जब गिरी तो उसके फेफड़े जो थे वो डैमेज हो गए बिल्कुल, और मैं गिरी, मेरे सर में चोट थी, बेहोशी हालत में थी। तो ये नहीं हो रहा था कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के उठा सके, हमारी किसी की भी हिम्मत नहीं थी। पर ये पब्लिक जब वहाँ इकट्ठी हुई, सभी लोग जानते हैं तो मुझे प्यार से नेतानी भी कहते हैं वहाँ पर, और सब कहने लगे नेतानी आंटी तो खत्म हो गई हैं।
तो कुछ मेरे शब्द मेरे कानों में आए कि मुझे लगा कि मैं खत्म तो नहीं हूँ, मेरे को आवाज सुनाई आ रही थी। तो कहते हैं ना कि ईश्वर से कुछ मांगो तो वाकई सच्चे मन से अगर आप मांग के देखें तो वो जिंदगी मुझे मिली है, मगर दुख होता है मुझे इस जिंदगी से, घृणा आती है इस जिंदगी से। कि कहते हैं ना कि बच्चे अगर माँ बाप को मट्टी दें या अग्नि दें तो बहुत ही अच्छा होता है, मगर मैं एक बदनसीब माँ हूँ कि मैंने अपनी बेटी को मट्टी दी है। इसलिए मेरा आज जमीर ने मुझे झंझोर दिया। बहुत कोशिश करने के बाद मैंने उसकी याद भुलाने की कोशिश भी करी, मगर उसकी एक बेटी है एलिशा, उसी के रूप में मैं उसको देखती हूँ। फिर मैंने एक अपने दिल में संघर्ष करने का एक जज्बा पैदा किया और लोगों की जान बचाने के लिए एक बीड़ा उठाया कि अगर मैं इस कट पे खड़ी होके कुछ और जाने बचा सकूं तो शायद ईश्वर मेरी बच्ची की आत्मा को शांति देगा। कैसे एक माँ ने अपनी बदनसीबी को पीछे छोड़कर या कहें भुलाकर समाज की बेहतरी के लिए काम करने का फैसला किया और कैसे वो अपने फर्ज को पूरा कर रही है, हम आपको बताएंगे बस कुछ ही देर। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं रुचान रुद और मेरे साथ हैं डोरिस फ्रांसिस, एक ऐसी महिला जिसकी कहानी सुनकर हम सबको हैरानी होगी। एक ऐसी महिला जिसने अपनी 20 साल की बेटी को खोया, आज वो अपनी बेटी को याद करती हैं उसकी बेटी यानी अपनी नातिन के जरिए, लेकिन वो अपनी जिंदगी रोते रोते नहीं बिताती। जिस जगह पर उन्होंने अपनी बेटी को खोया था आज वो हर सुबह उसी जगह पर खड़े होकर दूसरों की जान बचाने का काम करती हैं। डोरिस एक बात बताइए, दुखी होना बहुत आसान होता है जी। आपने क्यों ये फैसला किया या कब ये फैसला किया कि निक्की तो चली गई लेकिन अब दूसरों की जान बचानी है और उसी जगह पर बचानी है जहां निक्की गई? वैसे खैर वही जगह मुकर्रर नहीं है, मुझे कहीं भी अगर कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर कोई दुर्घटना होती है तो मैं उस पॉइंट के ऊपर खड़ी होके अपना कार्य जरूर करती हूँ। और मैं उन लोगों को भी अवगत कराना चाहती हूँ कि जो इस घटनाओं को देख के मुंह फेर लेते हैं, जो एक्सीडेंट में तड़फते होते हैं लोग और वो अपने काम पर चले जाते हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट दे दिया जाए तड़फते हुए लोगों को, तो शायद वो भी किसी की जिंदगी बचा के और अपना एक नेक काम जिंदगी में जोड़ सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर कोई और आके इस तरह से रोए जैसे आज मैं रो रही हूँ खड़ी होके, और उसकी याद ताजा हो कि अरे यहाँ मेरे भी निक्की खोई थी, तो मैं वो नहीं चाहती। मैं उस पॉइंट को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहती हूँ। सरकार से भी मैं बोल चुकी हूँ, मैंने मंत्रियों को भी लेटर दिया है जी। खासकर उस कट के लिए दिया है, दूसरी चीज वहाँ के टूटे हुए डिवाइडरों के लिए दिया है जी। जो बहुत से ऐसे डिवाइडर हैं जिससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। अगर मैं उस पॉइंट पे एक्सीडेंट रोक लेती हूँ, 1% रोकती हूँ, होता भी है यही कि मालिक ने जब से मैं खड़ी हुई हूँ तब से ऊपर वाले की इतनी मेरे ऊपर रही है छत्रछाया कि वहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होने दिया मैंने। तो एक तो ये ईश्वर का ही कृपा समझिए कुछ कि वहाँ पर एक अवतार, आपकी मेहनत आपकी कोशिशें भी हैं, कोशिश भी है। और मैं इस सुबह प्रार्थना भी करके निकलती हूँ कि प्रभु यही नहीं किसी भी कट के ऊपर कोई इस तरह किसी की भी दुर्घटना ना हो। बहुत बहुत ज्यादा नेक ख्याल है डोरिस जी आपका, और बहुत इंस्पिरेशन मुझे आपसे मिल रही है एक महिला होने के नाते। काश कि ऐसा जज्बा, ऐसी हिम्मत और अपनी परेशानियों को भूलकर दूसरों की मदद करने का ये जो एहसास है, काश ये हमारे देश की हर महिला में आ पाता। लेकिन समाज ने, सरकार ने कितना सहयोग दिया डोरिस को और कहां से मिली 6 साल में इन्हें इतनी हिम्मत, ये मैं जानूंगी इनसे बस कुछ ही देर में। आप बने रहिए मेरे यानी रिचा अनुरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे साथ हैं हमारी आज की हीरो डोरिस फ्रांसिस। आसान नहीं होता होगा 6 साल से लगातार हर सुबह अलग अलग जगहों पर जाकर वहां ट्रैफिक कंट्रोल करना ताकि दूसरों को एक्सीडेंट से बचाया जा सके, और वो भी सिर्फ इसलिए कि इस माँ ने अपनी 20 साल की बेटी को एक रोड एक्सीडेंट में खोया है। डोरिस जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे देश में जब भी कोई कुछ अलग हटकर काम करना चाहता है, भले ही आप दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपको कभी अपमान मिल जाता है, कभी लोग आपका मजाक उड़ा जाते हैं, कुछ ऐसा कह जाते हैं जो बात दिल को बहुत चुभ जाती जी, है। जी 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 आपके साथ भी हुआ है और होता भी है, अभी भी हो जाता है। पहले भी लोग थे और अभी भी हैं उनमें से कुछ
कि अभी 15 दिन पहले की बात ही है, मैंने गाड़ी रोकी, एक मैडम ने देखकर भी अनजान बनी, उन्होंने गाड़ी रोकी, मैंने आगे डंडा लगाया, जब डंडा लगाया तो पीछे की गाड़ी वाले ने उनको मार दिया। पीछे जब गाड़ी वाले ने मारा उनको, तो एकदम से भाग के निकल के पीछे से लड़का आता है तो मुझे कहता है क्या तुम पागल हो, पढ़े लिखे इंसान हो के इतनी तो तहजीब देनी चाहिए कि मैं उनकी मम्मी की बराबर की थी। वो उन्हें ये एहसास भी नहीं है कि उनसे बड़ी उम्र की महिला वो काम कर रही है जिससे उनकी जिंदगी बचे, उनकी जिंदगी बचे। तो मैंने बेटा आप इतने नशे में चूर मत होइए कि जो आप किसी और को ना देखे। चलिए ये तो गाड़ी थी, इसका मतलब इस गाड़ी की जगह ये जो पैदल निकल रहे हैं इंसान, ये भी आपकी गाड़ी के नीचे कोई कुचल सकता था इस वक्त। लेकिन ये तो समाज के नजरिए की बात हो गई। अब अगर मैं आपसे अथॉरिटीज की बात करूं तो आप एक ऐसा काम कर रही हैं जो काम दरअसल अथॉरिटीज का है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का है। क्या कभी अथॉरिटीज की तरफ से आपसे कहा गया कि आप इस तरह से ना खड़ी हो, आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप ये हमारा ट्रैफिक कंट्रोल करना हमारा काम है, आप मत करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ मैंने कहा। वो बहुत खुश होते हैं आके, SSP ट्रैफिक भी आते हैं, वो बड़े खुश होते हैं, तो वो मुझे शाबाशी भी देके जाते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप मुझे इस कट पे मिलती हो। कभी कोई अधिकारी नहीं आके ऐसे रुके, मगर हमारे SP ट्रैफिक रुक के जाते हैं और हालचाल पूछ के बाकायदे मुझे शाबाशी देके जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मेरा मनोबल बढ़ता है उससे। कभी ऐसा हुआ कि तेज रफ्तार गाड़ियों से आपको लगा कि आपको कुछ ना हो जाए? कई बार दिल्ली की सड़कों पर तो हमारे यहाँ जैसे लोग गाड़ियां दौड़ाते हैं, कभी आपको अपनी जान को खतरा लगा? नहीं लगा क्या, मुझे तो मार भी गई हैं गाड़ियां 2 बारी, उड़ा के चली गई हैं, पर वो मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं बची हुई हूँ। तो कभी ये नहीं लगता कि छोड़ दूं, क्यों कर रही हूँ ये काम? नहीं ऐसा नहीं, अगर मैं हार के बैठ जाऊंगी तो फिर वही चीज चालू हो जाएगी, वहाँ एक्सीडेंट होंगे। डॉरिस जी, दिल्ली की महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की महिलाओं से, मैंने दिल्ली की नहीं पूरी देश की महिलाओं से कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसा कार्य करे कि जाने के बाद हमारे दुनिया याद करे। वाह, काश हर महिला में ऐसी हिम्मत हो जैसी आप में है। अगली बार जब आप दिल्ली गाजियाबाद सड़क पर सफर कर रहे हो और खोड़ा कट के पास आपको डॉरिस फ्रांसिस अपनी ड्यूटी निभाते हुए ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए दिखे तो 2 मिनट रुककर इनसे दुआ सलाम जरूर कीजिएगा, इनकी बहुत सारी दुआएं आपको भी मिलेंगी। आज दिल्ली मेरी जान के स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ इतना ही, अगले शनिवार आपकी मुलाकात कराऊंगी एक और हीरो से। तब तक आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM, गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। दिल्ली।